देश में एचआईवी से पीड़ित मरीजों की संख्या में पिछले 3 साल में थोड़ी कमी तो आई है, मगर कई राज्यों में एचआईवी पीड़ितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी गई कि देश में एचआईवी के शिकार लोगों की संख्या में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि देश में एचआईवी संक्रमण में कमी तो मिली, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे नए इलाके भी सामने आए जहां एचआईवी बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 में एचआईवी के शिकार लोगों की संख्या 2,04,065 थी। साल 2016 में इनमें कमी आई और ये संख्या 1,93,155 रह गई। साल 2017 में ये संख्या और कम होकर 1,90,763 हुई। देश में एचआईवी संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में सामने आए हैं। इस दौरान कई ऐसे इलाके सामने आए हैं जहां एचआईवी बहुत तेजी से फैल रहा है। इनमें अंडमान निकोबार में साल 2015 में 19 मामले थे, साल 2016 में 31 और 2017 में ये बढ़कर 35 हो गए। दादरा एंड नागर हवेली में 2015 में एचआईवी के 103 मामले थे, 2016 में कुछ कम होकर ये 98 हुए, फिर 2017 में ये बढ़कर 121 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर में साल 2015 में 384, साल 2016 में 346 और साल 2017 में ये कम होने की बजाय बढ़कर 375 पर पहुंच गए। मेघालय में 2015 में 581, 2016 में 744 और 2017 में 833। इसी तरह उत्तराखंड में साल 2015 में 939 मामलों से 2017 तक ये मामले बढ़कर 967 हो चुके हैं। बहुत तेजी से फैल रहे एचआईवी संक्रमण का शिकार महिला ज्यादा हो रही हैं। हालांकि सामने आए नए मामलों में 0.28% गर्भवती महिलाओं में भी संक्रमण देखा गया है। PLHIV यानी पीपल लिविंग विद एचआईवी की संख्या जून 2018 तक 12,28,000 है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2016 में अपनी एक रिसर्च में बताया कि देश में एचआईवी जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भारत में लोगों को सही तौर तरीके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की जरूरत है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पीपल लिविंग विद एचआईवी की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।